ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीके से कम खर्चे में घर पर ह्यूमिक एसिड कैसे तैयार करें, इस वीडियो में हम नेचुरल तरीके से ह्यूमिक एसिड बनाना सीखेंगे। और देखिए, ये ह्यूमिक एसिड है जो पौधे की ग्रोथ को दोगुनी कर देगा और जिन पौधों में फल फ्रूट नहीं बन रहे उनमें भी फल फ्रूट बनने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम घर पर कुछ ज़रूरी सामान की मदद से ह्यूमिक एसिड का लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे, जो कि ह्यूमिक एसिड आप सभी जानते हैं हमारे पौधों में रूट ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। तो ह्यूमिक एसिड दोस्तों किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है। किसी भी प्लांट में हम इसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो बैंगन हो, टमाटर हो, मिर्च हो। तो इसे कैसे बनाना है, इसके लिए हमें कुछ ज़रूरी चीज़ चाहिए, जिसमें गोबर का कंडा, जिसे हम कहीं ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या फिर आपके एरिया में जो आपका दूध वाला हो उससे भी आप ले सकते हैं। तो गोबर का कंडा चाहिए और हमें साफ़ पानी चाहिए। तो हम आपको बताते हैं, रेशियो करीब 20 लीटर पानी में आप 4 से 5 कंडे भिगाइए। साथ में हमें चाहिए गुड़, आपके पास अगर सड़ा हुआ ख़राब गुड़ है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, पर मेरे पास सड़ा हुआ नहीं था तो मैंने ये गुड़ मार्केट से लेके इसे पानी में अच्छे से भिगा लिया है, पूरा गुड़ गल गया है। इसके साथ हमें चाहिए बेसन, बेसन चाहिए जो कि हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को इसमें पानी में जब डिजॉल्व करते हैं तो उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को बढ़ाता है। और साथ में हमें चाहिए सड़ी हुई दही, अगर है तो ठीक, नहीं तो मट्ठा, छाछ जिसे कहते हैं, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसे दोस्तों देखिए, हम पानी में एक एक करके, मेरे ये मैंने जो कंडा ले रखा है इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी है तो इसे हम तोड़ लेंगे, दो भागों में कर लेंगे और इस बाल्टी में पूरी तरह से कंडे को भिगा देंगे। दोस्तों, इस प्रकार से बनी हुई ह्यूमिक एसिड बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और आप सभी को पता है कि जो गोबर होती है गाय के गोबर, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो इससे कंडे से हम नाइट्रोजन की मात्रा मिलेगी हमें लिक्विड में, और साथ में हम दही यूज करते हैं, छाछ यूज करते हैं, तो उसमें काफ़ी ढेर सारे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं या मित्र जीवाणु होते हैं, जो इसे डिकम्पोज करने के प्रोसेस को और तेज़ करते हैं। और दही से हमें इस लिक्विड में यूरिया की भी मात्रा मिल जाती है। तो हम इसमें कंडों को डालने के बाद, देखिए मेरे पास छाछ रखी हुई है, छाछ है ये, तो मैं इसको इसमें डाल दूंगा पूरा। करीब मैं इसमें 250 ml के आसपास छाछ डाल रहा हूँ। तो इस बाल्टी में मैं छाछ इसमें डाल देंगे, और छाछ डालने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे बेसन। ये देखिए, छाछ हमने पूरी पानी बाल्टी में डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, मिलाएंगे बेसन। करीब 150 से 200 ग्राम हम बेसन इसमें मिलाएंगे। बेसन दोस्तों, जो भी इसमें बेसन में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ढेर सारे रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जो कि ऑर्गेनिकली हमारे इस लिक्विड कंपोस्ट को और अच्छा बनाएगा। तो हम इसमें बेसन डाल देंगे, और लास्ट में दोस्तों जो हमने गुड़ भिगा के रखा हुआ था पूरी तरह से गल गया है, तो इसमें हम वो गुड़ वाला लिक्विड भी मिला देंगे। दोस्तों, गुड़ का लिक्विड मिलाना जो है, इसमें भी ढेर सारे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, और ये हमारी लिक्विड को, जो गोबर है इसको इसमें डिजॉल्व करने में, इससे जो भी तत्व हैं इन्हें पानी में डिकम्पोज करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है। तो इस प्रकार हमने, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, रिपीट कर दूं कि हम गोबर का, गाय का गोबर का कंडा लेंगे, गाय के गोबर का हो या भैंस के गोबर का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो कंडा लेंगे हम, कंडे के साथ हम लेंगे इसमें, अगर आपके पास खराब सड़ी हुई दही हो तो वो और अच्छी होती है, लेकिन नहीं है तो आप दही या छाछ कुछ भी ले सकते हैं। इसके साथ हम लेंगे बेसन, और बेसन के साथ हम लेंगे गुड़। गुड़ अगर आप पहले से भिगा के नहीं रखते हैं तो डायरेक्ट भी गुड़ इसमें आप डाल सकते हैं, वो गल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद इसे हम मिला देंगे, अच्छे से चला देंगे, और फिर कंडा चूंकि ऊपर ऊपर तैरता है तो इसे हम किसी भारी चीज़ की मदद से दबा देंगे। मेरे पास देखिए ये भारी पत्थर के टुकड़े हैं, जिससे मैं कंडे को नीचे दबा के पत्थर छोड़ दूंगा, तो ये कंडा नीचे रहेगा। पानी के अंदर जितना कंडा रहेगा उससे जो उसके ट्रेस एलिमेंट्स हैं वो उतना ज़्यादा पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे। और फिर ऊपर से देखिए, मैंने इस ढक्कन की मदद से इसे ढक दिया है, और ढक्कन में मेरे छेद है मैंने बना रखा है, जिससे ऑक्सीजन
पास होती रहेगी। तो ऑक्सीजन मिलने से पानी में जो तत्व वो रासायनिक क्रिया होगी वो और अच्छी होगी और फास्ट होगी। और इसे हम किसी देखिए कपड़े की मदद, सूती कपड़ा है, उसकी मदद से ढक के और इस पर कोई भारी चीज़ रख देंगे जिससे कि ये उड़े ना, और इसे छाएदार प्लेस में कम से कम 10 दिन के लिए रख देंगे। तो दोस्तों आज पूरे 10 दिन हो गए हैं हमें ये बना के रखे हुए, तो आइए हम देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस है इसकी, हमारे ह्यूमिक एसिड की। देखिए ये देखिए काफ़ी अच्छे से सड़ गई है। ह्यूमिक एसिड जो हमने कंडे को डाल रखा था बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो चुकी है दोस्तों, बहुत अच्छे से कंडा हमारा इसमें देखिए जो भी एलिमेंट्स हमने डाले हैं वो सब बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो गए हैं। देखिए दोस्तों इसे हम अच्छे से चला देंगे। आइए देखते हैं अब आगे हमें इसमें क्या करना है। तो दोस्तों जो कंडा हमारा है इसे हमें इसमें से निकाल लेना है, देखिए सारे कंडों को, और किसी दूसरे टब में हम इसे रख लेंगे। ये कंडा, इस कंडे से हम काउडंग कंपोस्ट सड़ी हुई बनाएंगे, तो इसको अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे इस कंडे से हम काउडंग कंपोस्ट बना सकते हैं पूरा तरीका, क्योंकि इसको पहले सड़ाना पड़ता है, तो इसे हम निकाल के अलग कर लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काउडंग कंपोस्ट से लिक्विड कंपोस्ट बनाना, ह्यूमिक एसिड तैयार करना है, तो हम उसे देखते हैं। तो सारे कंडों को हमें इसमें से निकाल के अलग कर लेना है। देखिए दोस्तों कुछ कंडे नीचे होंगे क्योंकि हमने पत्थर से दबा रखा था। इसमें से दोस्तों जब ये अच्छे से सड़ जाती है, सारे माइक्रो एलिमेंट्स जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें सब ये लिक्विड में आ गए हैं, और जो दही का और गुड़ का काम था हमारा कि इसको अच्छे से इसमें वेस्ट करना, वेस्ट डिकम्पोजर का काम करता है वो, तो इसमें एक हल्की खट्टी सी स्मेल आ रही है, वो आप भी जब बनाएंगे तो आपको जैसे दही सड़ी हुई होती है खट्टी स्मेल आती है वैसी स्मेल आएगी। जब ऐसी स्मेल, खट्टी स्मेल आने लगे तो आप समझ लीजिए आपका लिक्विड कंपोस्ट बनके तैयार हो चुका है। अब दोस्तों इसे हमें कि इसको हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं, पर जब हम किसी वाटर कैन की मदद से देते हैं तो इसमें जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं फंसते हैं, तो इसे हम किसी चीज़ की मदद से छान लेंगे। तो मैं छन्नी की मदद से इसे छान लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये छन्नी है, और हमने जो लिक्विड कंपोस्ट तैयार की है इसे देखिए, इसको हम इसमें बाल्टी में अपने अच्छे से छान लेंगे। इसका आप कलर देख सकते हैं, बिल्कुल रेडिश हो चुका है, आप कलर देखिए इसका। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसको अलग से छान लेने के बाद। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा पूरी तरह से लिक्विड कंपोस्ट छान के हमने रेडी कर रखा है, पूरी बाल्टी हमारी इससे भर गई है। अब दोस्तों इसको हम यूज करेंगे अपने पौधों में। ये ह्यूमिक एसिड दोस्तों नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से घर पे बनाई हुई ह्यूमिक एसिड है, इसे आप किसी भी पौधे में, किसी भी तरह के पौधे में, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो, या फिर आपका फ्रूट प्लांट हो, कोई भी पौधा हो, उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं, और उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों इसको चूंकि ये ऑर्गेनिक और घर पे बनाई हुई खाद है, तो इसको आप कम ज़्यादा भी यूज़ करते हैं तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लेते हैं तो पौधे में कोई इसका साइड इफ़ेक्ट आ जाएगा, पौधा ख़राब होगा। ये बेस्ट पार्ट है इसका कि इसको आप इसकी मात्रा कम या ज़्यादा भी होती है तो पौधों में इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है, उसको सिर्फ लाभ ही पहुँचाता है। ह्यूमिक एसिड दोस्तों पौधों की रूट ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, और ह्यूमिक एसिड के साथ साथ इसमें आपको सड़ी हुई दही की यूज करने के कारण इसमें नेचुरल ऑर्गेनिक यूरिया भी आ जाती है, जो कि पौधे की ओवरऑल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। तो इसमें ढेर सारे माइक्रो एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स, एक तरह से आप कह लें मित्र जीवाणु की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, तो ये हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी। इसे यूज कैसे करना है अब हम ये देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये हमारा वाटर कैन है जिसमें हमने 4 लीटर पानी ले रखा है। अब इसको हम 4:1 के रेशियो में यूज करेंगे, तो 4 लीटर पानी ले रखा है और उसमें हम 1 लीटर ह्यूमिक एसिड जो हमने ऑर्गेनिक तरीके से घर पे तैयार किया हुआ है इसको मिला लेंगे। देखिए इसको हमने इसमें डाल लिया, ये हमारा 5 लीटर का लिक्विड तैयार हो गया है। अब इसे हम अपने पौधे में यूज करेंगे। यूज करने से पहले दोस्तों इसको हमने
हल्का सा किसी चीज़ की मदद से इसको घुमा लेना है, चला लेना है। दोस्तों ये मेरा गुलाब का पौधा है, मैं इसमें यूज करने जा रहा हूँ अपना ह्यूमिक एसिड। देखिए इसको यूज करने से पहले आपको इसकी हल्की गुड़ाई कर लेनी होती है मिट्टी की, ताकि जो भी लिक्विड हम देते हैं वो पौधों की रूट्स तक आसानी से पहुंच पाए। तो देखिए मैं इसकी गुड़ाई कर ले रहा हूँ। इस समय दोस्तों ये खाद देना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि लगभग हमारे सभी पौधे डॉर्मेंसी की पीरियड से निकल के अपनी नेचुरल ग्रोथ पे आ जाते हैं। सभी पौधे ग्रोथ लेने लगते हैं, तो इस समय अगर हम इसमें कंपोस्टिंग करेंगे तो वो पौधों के लिए और ज़्यादा उपयोगी होता है। तो देखिए हमने गुड़ाई कर ली है। अब दोस्तों हमने जो लिक्विड कंपोस्ट तैयार किया हुआ, देखिए अपने वाटर कैन की मदद से हम इसमें रूट्स के आसपास डाल देंगे। जैसे हम वाटरिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने इसमें ह्यूमिक एसिड को डाल देना है। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है पौधे पे और नेचुरल ग्रोथ पौधे में आएगी। देखिए आप इसको किसी भी प्लांट में दे सकते हैं, चाहे वो आपका टमाटर का पौधा हो, मिर्च का हो। मैंने देखिए अभी गुलाब में दिया, अब इसके अलावा मैं मिर्च में भी इसे, ये देखिए दोस्तों ये मेरा मिर्च का पौधा है, तो मैं इसमें भी वही चीज़, इसकी भी हमें हल्की गुड़ाई कर लेनी है और गुड़ाई करने के बाद कंपोस्टिंग लिक्विड कंपोस्ट को इसमें भी दे देना है। तो हमने इसकी गुड़ाई कर ली है, गुड़ाई करने के बाद इसमें भी हम अपना कंपोस्ट डाल देंगे। दोस्तों इसको आपको हफ्ते में कम से कम एक बार और महीने में दो बार आपको देना है और आपका पौधा आप देखेंगे फलों और फूलों से भरा रहेगा। अब दोस्तों चूंकि हम डेली नहीं बनाते हैं ऐसे कंपोस्ट, तो एक बार हम बनाने के बाद इसे किसी चीज़ में स्टोर कर लेंगे, किसी बंद बोतल में, और इसे हम करीब 2-3 महीने तक आराम से यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरा 5 लीटर का बोतल है जिसमें मैं स्टोर करके इसे रख लूँगा और हफ्ते में एक बार, महीने में कम से कम दो बार मैं इसे यूज करूँगा अपने पौधों में, ताकि इस स्प्रिंग सीजन में जो भी पौधों की ग्रोथ है उसमें और भी अच्छी ग्रोथ मुझे मिल सके। तो इस प्रकार देखिए हमने इस बोतल में इस खाद को भर के और सील बंद करके रख लेना है एयर टाइट करके, क्योंकि खुले में अगर रहेगा तो इसके जो भी बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जो मित्र बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स कह दें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो सभी इसमें से ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से लिक्विड कंपोस्ट जो हमारी वो कमज़ोर हो जाएगी। तो हमें इसे किसी बोतल में बंद करके और छाएदार प्लेस पे रखना है, धूप में नहीं रखना है इसे। धूप में रखने से भी सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। और देखिए पूरा हमें नहीं भरना है क्योंकि इसमें गैस बनता रहता है, तो जो गैस बनेगा इससे बोतल टाइट होती है, तो हमें ऊपर से थोड़ी स्पेस खाली छोड़ देनी है और फिर इसको अच्छे से ढक्कन बंद करके रख देना है। फिर जब भी आप वाटरिंग करें 15 दिन में 20 दिन में एक बार इसका यूज जरूर कर लें, आपको इसका रिजल्ट आपके पौधे में बहुत ही पॉजिटिव दिखाई देगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।